दूसरा उसके अंदर क्या क्या लफ्ज आता है, कामयाब होने के लिए वल्लदीन हुम अनिल लगवी मुअरिज़ून। अल्लाहू अकबर, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मेरे भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमाए, आज की नौजवान नस्ल को, आज की नौजवान नस्ल को अल्लाह इस आयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कामयाब वो मोमिन है जो बेकार बातों से दूर रहता है। अल्लाह का लफ्ज क्या है, अल्लाह का लफ्ज क्या है, कुरान का तर्जमा कर रहा हूं। लघु बातों से ना जिसका दुनियावी फायदा है ना उखरवी फायदा है, उन बातों से जो दूर रहते हैं कुरान में अल्लाह कहता है यही कामयाब है। अल्लाह अकबर, सोच ले मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए सोच ले। अल्लाह हमारे नौजवानों को ऐसा बनाए, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें उस उनमें दाखिल आता फरमाए, और जहन्नमी जहन्नम को चले जाएंगे। सूरह मुद्दस्सिर, फी जन्नती यतसाअलून, जन्नती सवाल करेंगे जहन्नमियों से, यतसाअलून एक दूसरे से सवालात, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे। क्या सवाल जानते हैं, ये सवाल लेके जाओ यहां से, अहले जन्नत अहले जहन्नम से सवाल करेंगे। क्या सवाल है, मा सलककुम फी सकर, इम्तिहान आने वाला है ना, एग्जाम आने वाला है, क्या सवालात आएंगे, बड़ा टेंशन तुम्हें रहता है। सुभान अल्लाह, ये एक जन्नतियों का सवाल है जहन्नमियों से। क्या सवाल, मा सलककुम फी सकर, जहन्नम का एक नाम सकर है, जहन्नम का एक नाम सकर है, सकर एक नाम सईर है, सुभान अल्लाह, एक नाम हाविया भी है, ये नाम है जहन्नम के। किस चीज ने तुमको सकर में पहुंचाया, क्यों चले गए जहन्नम, सुभान अल्लाह, जहन्नम क्यों चले गए। अब जहन्नमियों का जवाब सुनो, ये काम की वजह से हम जहन्नम में आए। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहला जवाब, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे। सुनो गौर से, जहन्नमियों का पहला जवाब, जहन्नम में आने का रीजन, पहला रीजन ये देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, लम नकु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह हमें हमारी औलाद को हमारी नस्लों को अल्लाह नमाजी बनाए। जी हाँ, क्या क्या दुआएं मांगते, नहीं क्या क्या दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मेरे बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाए, बनाए अल्लाह ताला, अल्लाह बनाए हमारे नौजवान बच्चों को, अल्लाह ताला हर मैदान में हमारे बच्चों को अल्लाह आगे बढ़ाए, मेरी दिल से दुआ है। साथ में अल्लाह नमाजी भी बनाए। पहला सवाल जवाब यह है, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा, वलम नकुनुतुइमुल मिस्कीन, कभी किसी मिस्कीन को खिलाते नहीं थे, हमारा हाथ उठता नहीं था। अल्लाह अकबर, अपने लिए खरीदते तो पूरा बकरा खरीद लेते, दिल में दिमाग में यह रहता 2 किलो लेंगे, मगर वो हिस्सा भी अच्छा लग रहा वो भी दे दे भाई, ये अच्छा लग रहा है वो भी दे दे भाई, ये अच्छा लग रहा है ये भी दे दे भाई, ये दिल कभी मानता नहीं है, सारा बकरा घर को लेकर आ जाते, मगर तौफीक नहीं होती वो 4 किलो 5 किलो 10 किलो के बकरे में आधा किलो किसी गरीब को दे दे, नहीं होती तौफीक, हमें तौफीक नहीं होती। जी हां, वलम नकुनु तुइमुल मिस्कीन, हमने कभी मिस्कीन को खिलाया नहीं। आज अक्सर घरों में बिरयानी पकती है, अल्लाह हमेशा तुम्हारे घरों में खुशहाली रखे, अल्लाह हमेशा खुशियां रखे, अल्लाह गमों को दूर फरमाए। दुआ है, मिंबर पे खड़कर दुआ दे रहा हूं, सुभान अल्लाह, और साथ में मुझे भी अल्लाह अता फरमाए। जी हां, आपके घरों में पकती है, 2 आदमी का खाना निकालो उसमें से, उसी बिरयानी में से 2 आदमी का खाना निकालो, या कम से कम 1 का निकालो, पहले लेकर जाकर उस आदमी को दे दो, सुभान अल्लाह, जो मांगना नहीं चाहता, कपड़े भी अच्छे हैं, कहीं सफर से आया हुआ है, मांगने के लिए हाथ नहीं उठ रहा है, गौर से देख लो और उसे पहुंचा दो, सुभान अल्लाह। ये तीसरा रीजन। दूसरा, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम लोग मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। तीसरा सुनो, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम लोग बेकार बातें जहां होती हैं बेकार बातों में वक्त गुजारा करते थे, बेकार बहसें किया करते थे, हमारी बातों में दम नहीं, बेकार बातें हम किया, ये जहन्नम में जाने का एक सबब है, बेकार बातें कोई फायदा नहीं, बेकार बहसें, अल्लाह बचाए हमें, ये जहन्नमियों की अलामत है। चौथी बात, जो रीजन जहन्नमी बयान करेंगे, वो कुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन, हम कयामत के रोज का इंकार किया करते थे।